चाकू और साजिश में वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। अभी के मुंह से बस यही सुनना बाकी रह गया था कि मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतने सालों से जो एक ही घर में मीरा के साथ रह रहा था, लेकिन कभी भी उसके दिल में मीरा के साथ शादी करने का ख्याल नहीं आया। फिर आज क्यों उसने हाँ कर दी दूसरी शादी के लिए? आप लोगों को जो प्रिपरेशन करनी है आप लोग कर लीजिए, ठीक है? और आगे शादी के कार्ड जल्द से जल्द, सबसे पहला कार्ड में क्या करना चाहिए अपने आप से। ये एक ड्रामा है जो जहाँ पर मैं किसी और से शादी करने आ रहा हूँ या क्या होगा वो अब आगे चलकर पता चलेगा, पर बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है, बहुत दिल तोड़ने वाला सस्पेंस है। मीरा तो बहुत खुश है क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करती है वो अभी को, और कहीं ना कहीं एक प्यार भी है। बट जितना वो रिया से उनका लगाव है और इतने टाइम से उनके साथ है, तो शी नेवर एक्सपेक्टेड दैट शी गेट मैरिड, बट हाँ बहुत खुश है वो। अब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आपको सुनाना ज़रूरी है। अब वो क्या है ना, रिया प्रज्ञा को बताना चाहती है कि उसके पास भी माँ है जो प्राची की माँ से उसे ज़्यादा प्यार करेगी, और रिया की इस सोच में बढ़ावा दिया उसे आलिया ने। घर में अभी की दूसरी शादी की चर्चा चल ही रही थी कि दादी बेचारी परेशान हो गई है, क्योंकि वो तो नहीं चाहती है कि अभी की शादी हो, उनके लिए तो प्रज्ञा ही इस घर की बहू है। इन सब का दिमाग खराब हो गया, ये मुझसे क्या कह रहे हैं कि तू मीरा से शादी करने के लिए राजी है? सुषमा मैं शादी करने जा रहा हूं। एक बार सोच ले, तू जल्दबाजी कर रहा है। अब शादी को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है, तो सोचिए जब शादी होगी तब क्या होगा। अब देखिए, हमारा तो यही एक्सपीरियंस है कि शादी होती तो है लेकिन मंडप पर पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ हो जाता है, तो अब आप भी समझ जाइए कि इस बहुत कुछ में क्या क्या हो सकता है जो बहुत ही मजेदार होगा और यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आएगा। है मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।